हो जाए तो फिर भी दी जाए, सस्ते में देगी तो फिर मैं कर लूंगा यही वाली। सबको देखा बारी बारी, अब की बार जिमी बिहारी। अरे 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 अंकल जी, ठीक है जो तू ये बॉडी बिल्डर से लेके आ रखा है, इलेक्शन नहीं जीतते जाते हूँ। हाँ भाई साहब, क्या दिक्कत है? हो गया तेरा प्रचार है छोटे। ये वाली मूवी देखने गए थे, पता नहीं क्या, लेट्स डू इट ऑल अगेन एंड अगेन करके फटाफटा क्या अंकल जी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, जिमी जनरेटर फट गया यार। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप पर तो सब बढ़िया होंगे, मजे करेंगे। तो मैं आपका प्यारा जिमी आ चुका आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। फिलहाल पुलिस स्टेशन आया हुआ था यहाँ पे साइन वगैरह करने के लिए, जो कि मैंने कर दिया। ड्राइवर अंकल से मैंने कहा कब तक आना पड़ेगा अंकल जी, ये चीज सॉर्टेड कर दो, मेरे को बार बार आना पड़ता है के लिए। पर ड्राइवर अंकल का करता हूँ जितनी जल्दी हो पाए, यहाँ साइन हो गए हैं, सब काम हो चुका है। फिलहाल कलू अंकल जी को भी मैं साथ में लेके आया था, आज तो देख लो कटकुट बनवा के आया अंकल जी। सही, कल तूने मेरी बेइज्जती कर रहा था इसलिए मैंने आज ठीक करवा लिया अपने हेयर कट। तो देख लो भाई, आज तो जेंटलमैन बन के अंकल जी। और साथ साथ अंकल जी की छुट्टी थी, मैंने कहा चलो मेरे साथ आज आपको गेड़ी घुमा कर लाता हूँ बेलिनो में। और कल तो आपने देखा ही, ऑफ रोडिंग में क्या ही ज्यादा मजा आया। जो भी हल्का फुल्का डैमेज था वो कार ओके करवा लिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब कार भारी खड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। और आज भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काम है, आपको पता है कॉलेज में हमें अनाउंसमेंट करनी है पार्टी वगैरह के लिए, आप हमें वोट दो, इसलिए तो काफ़ी चीज़ें करनी है। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं। जिग्गू थिएटर में घूम रहा है, मूवी देखने गया पता नहीं किसके साथ, तो उसको भी उठाना है। इसको मैंने मना करा था, मत जा, चैन ही नहीं है, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, उठा लेंगे। तो चले अंकल जी, चल जिमी चलते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, चलो जिग्गू से मैं मिल लेता हूं फिर आपको बताऊंगा। और हमारी बेलिनो का खड़ी है, मैं आपको ये बता देता हूं, ये देखो यहां खड़ी है हमारी गाड़ी। मां साला ये लुक देती है, कभी आपको लग रहा है पुलिस वालों ने पकड़ ली, नहीं नहीं मैंने जानबूझ के यहां खड़ी कर रखी है, क्योंकि सीन ही हो जाता है ना वहाँ खड़ी करूँगा भाई, वो रोड पे खड़ी है, रोड पे खड़ी करने का फिर दिक्कत मेरे को ये लगती है, भैंस की कोई ठोक ठोक जाए तो हमारी प्यारी सी धन्नो को, जो कि इतनी ब्यूटीफुल है, आपको तो बता दो कितनी ब्यूटीफुल है, बिल्कुल काले शीशे और पुलिस स्टेशन में मैंने खड़ी कर रखी है, काले शीशे वाली गाड़ी है देख लो। अरे यही तो स्वैग है, लेट्स गो। निकल गए गाइस हम अपनी प्यारी सी सोनी सी गाड़ी लेके, और जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम जिग्गू को लेंगे। जिग्गू अपना थिएटर में घूम रहा है, मूवी देख रहा है, तो उसको बोलते हैं, बोला मैंने उसे ये वाला थिएटर भी था यहाँ पे देख ले, कह रहा नहीं भाई यहाँ पे नहीं जाऊँगा, ये अच्छा सा नहीं है, अब इसी चक्कर में अभी दूसरे थिएटर में उसे लेने जाना पड़ेगा। तो चलो लेट्स गो, उसे फ़ोन कर देते थिएटर के बाहर, आ जा जोन से में वो देख रहा है, और फिर चलते हैं। तो पूछने वाले हैं गाइस जिग्गू से मेरी बात होगी, उसने कहा मूवी खत्म हो गई मेरी, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो बस हो गया अपना काम भी, अपन तितर की तरह जा रहे हैं उसे लेने के लिए। यार अंकल जी, हाँ जी मैं, टायर इसके देखो ना कैसे हो रखे, थोड़े करवा लेंगे वो ठीक, सर्विस ही मांग रही है क्या? सर्विस ही नहीं, देखो जब हमने मोटर टायर करवाए थे ना इसके, हाँ हाँ, तो सीन ये हो रहा था, ये गाड़ी चटर चटर सी कर रही थी। अच्छा अच्छा, पर अब जब पतले लगवा दिए है ना, हाँ हाँ, पर फिर वो मजा सा नहीं आ रहा लुक वाला। देख ले जी मैं फिर नई गाड़ी देख लेगी तो दिक्कत क्यों? नई गाड़ी की बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ चटर चटर दे एक बार ना, एक दिन पूरी अच्छी तरह चला के देख लेंगे गाड़ी। ठीक ठीक, तो एक काम करते हैं, वो टायर वाला काम भी यही करवा लेंगे वेलनेस कस्टम में आज ही करवा के, क्योंकि देखो यार ऐसे टायर में तो मेरे को रत्ती भर मजा नहीं आ रहा, पतले टायर नॉर्मल टायर हो गए इसलिए। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो गाइस ये वाली मूवी देखने गए थे, पता नहीं क्या, लेट्स डू इट ऑल अगेन एंड अगेन सीक्वल टू पता नहीं क्या क्या देखता रहता है यार ये। ओ भाई साहब, गाड़ी में तेरा फूफा बैठेगा तो बैठा दूं तेरे को, चल फोन रख दे बाद में वार्तालाप कर लिए। अंकल जी आपने देखी है ये मूवी कभी? नहीं नहीं जी, मैंने तो नहीं देखी, अभी नहीं आई है, लेकिन ये कैसी है आपको कुछ बताओ? अगेन एंड अगेन, लेट्स गो, चल भाई बैठ जा, भूतनी के बदमाशी दिखाऊंगे, चल बैठ जल्दी। अरे यार अंकल जी ये तो देर पे देर करा रहा, पता नहीं किससे मिलने चले गया वहाँ। तो पता नहीं गाइस कहाँ भग जाता, बैठ जाओ चचा नेहरू, पता नहीं क्यों चले गया था। चलो भाई आ गया, लेट्स गो जिग्गू, पहले हम एक बार ना एलएस कस्टम लेके जा रहे हैं गाड़ी को, क्योंकि मेन दिक्कत ये थी जो टायर के लुक नहीं आ रही भाई इस वाले से, फिर वो मजा नहीं आएगा ना, इतनी कस्टम करवा रखी अब टायर ऐसे फुद्दू से लगाएंगे क्यों अंकल? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं मोटे टायर करवा ले, हम सारा काम छोड़ के पहले गाइस हम वहीं जा रहे हैं अपने मोटे टायर, क्योंकि हमें इसकी लुक चाहिए। ओ ये एक तरफा सिस्टम चाले अंकल जी, एक तरफा छोरे जाट का, बिल्कुल बिल्कुल ये, लेट्स गो गाइस। तो गाइस अपना जो काम था वो हमने करवा लिया है, अब आप देख लो टायर कैसे हो गया, आवाज सुनाऊं यहां, ये देखो आवाज इतनी तगड़ी, अंकल जी दोबारा आ गई वो वाली लुक, हाँ लग ही रहा है ना वो तो, पर पैसा एक्स्ट्रा लग गया जिमी। अरे पैसे का क्या, देखो सिंपल सी बात ये है,
वहाँ हमने पैसे दिए थे पर हमने टायर उल्टे करवा दिए ना फिर बाद में। हाँ वो भी है। तो देख लो गाइस अपना काम हो गया, इन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लिया, चुटर चुटर करके फटाफट निकाले टायर और फटर फटर लगा दिए। अरे अंकल जी ये देखा जाएगा कूड़ा कर रखा है यहां तेरे राज में, देखिए तेरा कूड़ा। मेरा राज नहीं है हमें, देखो ये सीन है ना अंकल, हमें चलानी वैसे भी इतनी नहीं है, तो अभी चलानी है तो जब तक तुम मजे लेके चलाए। ये तो देख लो गाइस निकल गए हम अपनी गाड़ी लेके, और जैसे कि मैंने आपको बताया अब सीन ऐसा है जिग्गू से मिलने के बाद हम क्या करेंगे अंकल जी? हम करेंगे बूम बम एक बीच साइड पार्टी। हाँ तो गाइस आपको तो पता है कल की वीडियो में डिस्कस ही हो रहा था कि हम कॉलेज में पार्टी करवा लेंगे, पर अब सीन ये हो रहा है कॉलेज में दंगे हो सकते हैं जो यहाँ तक मुझे लग रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी काफों के साथ पंगे हैं, तो सोच रहे हैं बीच पार्टी करवा ले सस्ती पड़ जाए, तो जा रहे हैं हम बंदे से मिलने के लिए, और वही हमें बताया कि क्या सीन होगा क्या नहीं, बीच पार्टी का सीन क्या क्या रहता है क्या नहीं। तो सामने ही बीच है तो उसके पास जाते हैं, सारी वार्तालाप करके आते हैं और फिर आप सबको बताते हैं कि क्या सीन है। चलो ठीक है जो भी होगा हम आपको बता देंगे अंकल जी, ये क्या है ये सीन? अरे तो बहुत ओवर बजट जा रहा है जिमी। ओवर बजट भी तो है, और गाइस सीन एक और है, एक तो इन्होंने बोल दिया कि जो इन्होंने प्राइस बताया है ना वो कुछ काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और एक और सीन ये हो रहा है, पहले बोला परमिशन वगैरह भी लेनी पड़ेगी एक दो जगह से, जो कि कोई दिक्कत नहीं, परमिशन को तो हम जुगाड़ कर ही लेते ना अंकल। हाँ वो तो हो ही जाती, और फिर बात ये है परमिशन लेने के बाद इन्हें पैसे दो फिर ये करेंगे काम घूम, और उस हिसाब की पार्टी मुझे लग नहीं रही, इससे अच्छा ना थोड़े से पैसे लगा के हम जो यार्ड पार्टी नहीं होती अंकल जी, हाँ यार्ड वाली शिप वाली, हाँ वो हो जाती है, इतने महंगी करवा रखी है ना, जो रहने दो अब तो अंकल जी क्या कर रहे हैं। एक और आइडिया मेरे पास ऐसे, हाँ बता जी। जो मेरे पिताजी का दोस्त है ना सोलोमन रिचार्ड, हाँ तो जैसे कि उनको उनका काम ही यही है मूवीज वगैरह बनाते हैं, तो उन्हें किसी घर के बारे में पता, हम घर में ही पार्टी वगैरह करवा देंगे कोई बड़ा सा वीला टाइप, तो कांटेक्ट कर ले जी मुझसे, नंबर है तो तेरे पास, नंबर क्या है वही चलते हैं ऑफिस में उनके। चल फिर आ जाओ बैठो बैठो बैठो। तो गाइस यहां तो इतना महंगा बोल दिया जो कि सोचा भी नहीं था मैंने। अरे यार क्या अंकल जी आगे बैठने की हो रही हो क्या है? जिग्गू की खोपड़ी तोड़ दूंगा मैं, मेरे को पीछे बिठा दिया। जिग्गू अभी गुटका चबा रहा भी नहीं बोले अंकल, रुक जा इसका गुटका अभी निकालने दे, फिर निकालूंगा इसको गुटका। तो पोस्ट ऑफिस वाली भी ऐसी सुअर सी, इसने सस्ता ही नहीं करा कुछ प्लान हमारे लिए। तो क्या ही कर सकती है जिमी, वो तो एम्प्लॉय है ना वहाँ पे। हाँ मतलब ठीक है खोल रखा है पार्क ऑफिस के लिए, मेरे को लग रहा है ना ब्लैक में करवाते हैं सारा काम। हाँ वो तो होता ही है जिमी, सबको ही पता है अंकल जी। हाँ जो मेरा दुश्मन है ना यही आता है, दिख नहीं रहा नहीं तो यही लपेट देता उसे। अरे कोई नहीं जिमी छोड़ अभी कुछ पंगे नहीं कर। अब तो अंकल जी एक तरफा सिस्टम चले एक तरफा छोरा जाट का, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अरे अंकल जी ये हमारे साथ ही होने के सारी दिक्कत है, कुछ खाओगे पियोगे ऐश करोगे तो बताओ। नहीं नहीं जिमी तेरी जीत के बाद ही होगा जशन, तो जशन तो वही तो जितना मैं उस जशन में पार पैसे उड़ा देता, ये तो पहली पार्टी में जब इतने पैसे लेने लग गए थे हमसे। वही वही चल कोई नहीं अब करते हैं उससे बात, करते हैं अब सोलोमन रिचार्ड अंकल ही है हमारे ऑप्शन, उनके पास जाते हैं करते हैं वार्तालाप, काश कि वो हमें बाहर ही मिल जाए तो अलग ही मजा आ जाएगा। तो गाइस मेरी अंकल जी से बात हो गई है, वो बोल रहे कि मैं शूटिंग में ही हूँ यहीं पे ही हूँ, तो यहीं आ जाओ ऑफिस में तो नहीं मिलूंगा मैं। अंकल जी आयो कभी ऐसे इलाके में? हाँ हाँ पीछे बैठे ज्यादा प्यार आ रहा है। कोई नहीं अब दोनों पीछे बैठ जाएंगे। खोल दो अंकल जी जानकार है। हाँ तो अंकल जी देखो मेन बात ये है ना, यहाँ पे उनका ऑफिस है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये ऑफिस है उनका, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो आप यहाँ पे भी शूटिंग वगैरह चलती रहती है, और देख लो कैसा इलाका बनाया, जनरेटर वगैरह पड़े हैं, कार्स वगैरह खड़ी है, मेरे को लग रहा है एलियन टाइप की मूवी बना रहे हैं कोई अभी फिलहाल ये, देखो वहाँ से पीछे से बंदे देख रहे हैं देखो। हाँ वो तो देखेंगे ही ना, ये देख लो गाइस यहाँ अंदर बैठे हुए हैं बंदे, हाँ तो अलग ही सीन चलता है। ये जो सैम के पिताजी थे ना, हाँ वो भी यही काम करते थे। अच्छा अच्छा अब क्या उससे बात अब नहीं होती, मैं नहीं करता अंकल जी यही काम रह गया। अब शूटिंग एरिया कहाँ गया इनका? ये रहा ये देखो यहाँ पे बंदे खड़े हैं, तो आ जाओ अंकल जी यहीं आ जाओ, तो देख सकते हो यहाँ पे टीम वगैरह खड़ी है, पर मुझे पता है मेरे अंकल जी कहाँ मिलेंगे। ओ ये देखना अंकल जी यहाँ खाने पी रहे सब खा रहे हैं पी रहे हैं ऐश कर रहे हैं मूवी वगैरह बना रहे हैं, पर हमारे सोलोमन अंकल जी वो रे। अच्छा ये देख रहे हैं यहाँ पे हो रही है शूट, अरे देख रहे अंकल यहाँ तो क्या क्या चीजें हैं। अरे यहाँ तो कुछ फटा पड़ा है। फटा पड़ा क्या? जनरेटर फट गया मेरे ख्याल से।
हेलो सोनोमन अंकल जी, क्या हाल है? राम राम जी। यार आपको बड़ा याद कर रहा था मैं अंकल जी, दूर से पायला हूँ क्योंकि यू नो वायरस चल रहा है, इस चक्कर में फटा फुटा क्या अंकल जी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं जी, मैं जनरेटर फट गया यार। जनरेटर फट गया? अरे 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 अंकल जी, फीलिंग सो सैड फॉर यू। अब देखो मैं पहली बार आया हूँ आपके पास और एक काम है मेरे पास। अब मेरे को कुछ ऐसा विला दिला दो, बड़ा सा घर सा दिला दो जहाँ पे मैं पार्टी करवा सकूँ। कॉलेज के इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो सोच रहा हूँ इलेक्शन से पहले एक छोटी सी लिटिल बिट पार्टी हो जाए, ये सोच रहा हूँ मैं। तो हो तो फिर बताओ फिर। अरे जिमी बेटा हो तो जाएगा, पर देख बात ऐसी, हम जितने भी लोकेशन लेते हैं ना किराए पे लेते हैं, तो किराए पे लेना पड़ेगा तुझे फिर। हाँ किराए पे भी चलेगा अंकल जी, एक दो दिन का क्या ही किराया, पार्टी के लिए चाहिए बस। हाँ तो ठीक है, मैं अपने बंदे को कह के तेरे पास अभी लोकेशन भिजवा दूंगा, अभी दिक्कत क्यों ले रहा है, ठीक है बस। चलो ठीक है, आप लोकेशन भिजवाओ मैं चेक कर लेता हूँ। तो फटाफट भिजवा दो अंकल जी, क्योंकि मैं अभी गाड़ी लेके आया और यही घूम रहा हूँ, तो फटाफट लोकेशन भिजवा दो। यही करना की आस पास की रखना, ज्यादा दूर का अपन को चाहिए नहीं, ठीक है। और बाकी जनरेटर वगैरह ठीक करो, फिल्म देखूंगा आपकी जो बढ़िया वाली आएगी, ठीक है। चलो चंगा, आ जाओ अंकल जी। चलो चलो जी। अंकल जी इन्होंने बोला है ना किराए पे मिलते हैं, क्योंकि ये शूटिंग पे भी किराए पे ही लेते हैं। और सीन ये है, इन्होंने कहा अपने बंदे से कह के अभी 2-3 मिनट के अंदर एक दो लोकेशन भिजवा देंगे मुझे। अच्छा हाँ, फिर देख लेते जो बेस्ट होगी वो चूज कर लेते। और क्या, लेट्स गो गाइस, अपन चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सीन चल रहा है क्या नहीं। और जैसी लोकेशन आ जाएगी मैं आपको लोकेशन पे लेके जाऊंगा। ये भैंस की इसने इस बार चलने में थोड़ी सी गड़बड़ सी तो करी है गाड़ी ने। हाँ अंकल जी बैठ जाओ। अरे अरे बैठने तो दे बाबू चक जी, में काट दिया मेरे को। हाँ अंकल जी मेरे को क्या पता बैठे नहीं हो यार, आई एम सो सॉरी, बैठो। हाँ हाँ बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। अरे अरे एक तरफा सिस्टम चाल है अंकल जी, एक तरफा छोरा जाट का, इसी साइड से बैठोगे तो है। हाँ हाँ, गेट तो बंद कर ले। अरे गेट तो कर लो अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो, नहीं की और पूछ लो, गेट करूँ बंद? हाँ कर। ये लो हो गया, चारे का वो तोड़ दिया। अरे यार खोल लेगा नहीं तो यही होगा, तो ठीक है। देख लो अंकल जी रिचार्ज मैजेस्टिक देख रहे हो, ये यहाँ पे करवा ले क्या जिमी? अरे बात सुनो, ये देख रहे हो इतनी बड़ी इनकी है। अरे मोटी पार्टी है फिर तो, मोटी पार्टी मूवी बनवाते हैं तो मोटी नहीं होगी नहीं, ये देख लो। और पता अपने जब दंगे हुए थे इसी घर इसी बिल्डिंग में हुए थे। अरे हाँ हम यहाँ पे पहले भी आए हुए हैं। यस अंकल, तो चलो गाइस लोकेशन आते ही हम मिलते हैं फिर। तो गाइस जा रहे हैं हम अपनी पहली लोकेशन पे जो कि हमें भेजी गई है। और लोकेशन उन्होंने बोला भिजवा रहा हूँ, बस एक भेज दिए पर, और ये मेरे घर के पास ही है लोकेशन अंकल। हाँ हाँ बिल्कुल जिमी, देख ले तेरे घर के इधर ही हो जाए तो सही है। अरे पर अंकल जी मेन दिक्कत है घर के इधर, देख लिया माता जी को पता चल गया कि दारू दूरू पी रहे अंदर कॉलेज के बच्चे, मैं तो पीता नहीं आपको तो पता है। तू तो रहने सती साहब। हाँ तो फिर वो सही नहीं लगेगा ना। अरे ये तो यही है ना अंकल? हाँ हाँ यही है। बोल दो भाई कोई है भी घर में? अरे यहीं रुकना पड़ेगा मुझे लग रहा है जिमी, साइड से गेट से चलते फिर। मतलब इज्जत ही नहीं है अब यार ये खुल, या तो खाली पड़ा होगा विला, मेरे को यूं लग रहा है जब भी नहीं खोल रहा कोई। हाँ वैसे सोलोमन अंकल कह रहे हैं, मैंने फोन करवा दिया है कि यहाँ भाई बंदे आ रहे हैं कोई आ जाओ। ये देखना ये सही नहीं है अंकल जी, इधर से गाड़ी वाले फिर यहाँ घुसा नहीं सकता। वही वही। ओके तो लेट्स गो गाइस, अब आप देख सकते हो कि हम इधर आ चुके हैं। ये है मतलब एरिया, यहाँ से गाड़ी अगर आई भी तो यहाँ से घुसाएंगे बंदे। यार ये तो जगह ही छोटी है गाड़ी के लिए तो। हाँ यार जब इसमें पार्किंग कहाँ करेंगे बंदे, मेन सीन ही है। देखो चलो बंदा गाड़ी भी लाया यहाँ से, उसने घुमा के यू करके यहाँ पे आके यहाँ खड़ी कर दी, 1-2-3-4-5, अगर किसी को बीच वाले को ही निकालनी है फिर ये पंगा हो जाएगा अंकल। वही वही। और पार्किंग गैरेज मेरे ख्याल से खोल के देंगे नहीं हमें? ना ना ये तो शायद ही देंगे जिमी। चलो एक बार घर तो वैसा सही है ना। हाँ एक बार पीछे से देख ले जिमी, पीछे से भी देख लेते हैं, पता नहीं कितनी देर में आएगा जो हमें किराए पे देगा भैया। क्या ओ अंकल जी पीछे तो लाजवाब है। वाह 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 वाह। पर दिक्कत है ऐसी कोई, ऐसी आपकी तरह झूमता फिरेगा ना, पूल भी भरवाना पड़ेगा अभी तो। अरे अरे ये तो सारा ही कचर पड़ा, मतलब कचर की तो नहीं, चलो ये तो साफ सुफ करने के लिए करा होगा, जब भी बुकिंग होती होगी जब भरते होंगे। हाँ ये भी हो सकता है। तो चलो कोई नहीं, इसकी तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, पर ये पीछे से भी तो जगह छोटी है। देखो पीछे भी करवाऊंगा तो ऐसे थोड़ी घर के अंदर ही बैठे रहेंगे, बाहर रखेंगे ना सामान तो हम। हाँ सही बात है जी, छोटी लगी लोकेशन मेरे को तो। घर बीच में इतना बड़ा बना रखा, पर बैक का अगर थोड़ा सा और बड़ा करते ना अंकल जी फिर तो हम कर सकते थे। बाकी चलो गाइस एक बार इससे जो भी ओनर है एक बार प्राइस प्राइस पूछने में हमें क्या दिक्कत है ना अंकल? बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसे फोन ही कर दो, यहाँ कौन बुलाया ना। हाँ हाँ करके पूछ। चलो फिर मैं नंबर मांगता हूँ जिस नंबर से हमारे पास एड्रेस है, वो फिर करते हैं बात वगैरह, हो जाए तो फिर भी देगा, सस्ते में देगी तो फिर मैं कर लूँगा यही वाली।
हाँ धोती अंकल जी, घर इतना सा है और पैसे इतने मांगते हैं, क्या ही बोले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब सीन ऐसा गाइस, वहां से हम क्यों आ गए, उससे हमने बात करी, वो पैसे कुछ ज्यादा मांग रही है। मैं कहा ठीक है देखिए और पूछ। तो और मेरी सोलोमन अंकल जी से बात हुई, तो अंकल जी ने ये कहा है मुझे, अभी जो उनके जितने भी है बातचीत में, मोस्टली घर अभी फुली है, तो एक ये वाला है, तो ये वाली लोकेशन उड़ने का एक बार जाके देख ले, हो पाए तो ठीक है यार देख लेते हैं, देखिए और पूछ का है, तो यही है, यहीं से ले लूँ क्या अंकल, खुल जाएगा तो? हाँ खुल जाएगा जी मैं तो। ये अच्छे बंदे लग रहे हैं मुझे बहस की। यहाँ पे तो बंदे भी है जी मैं। अंकल जी लोकेशन भी देख रहे हो, वीआईपी लग रही है, यही तो बात है। ठीक है गाइस, करते हैं खड़ी और लोकेशन देख लेते पहले अंकल जी, और इन्हीं की तो ओनर की फोटो तो यही तो भेजी थी। नमस्ते अंकल जी, एक बार देख लेता हूँ लोकेशन। हाँ ठीक है अंकल जी। हाँ जी मैं, ये मैटर हो सकता है, इसमें तो देख सब बढ़िया मोहतरमाई भी आई हुई है। रुक जाओ, तुम जो काम बोला ना, ये स्विमिंग पूल में पानी क्यों नहीं है इनके में? अरे तो भैंस की एक बुकिंग के लिए थोड़ी देर रखा है अभी, फिर क्यों आ रखी है ये यहाँ पे? तो इनके रिश्तेदार नहीं हो सकते क्या, एंजॉय कर रहा होगा वो, ये भी हो सकता है। ऐसी बातें करते हो अंकल जी आप भी यार, वाह वाह। वैसे जगह काफी बड़ी है, खुली भी है अंकल। हाँ और पार्किंग के लिए भी काफी जगह है, और यहाँ पे खाना पीना बन रहा है, और वहाँ चेयर चोर भी पड़ी है, ठीक है। और यहाँ लेटने के लिए भी, और यहाँ स्पीकर्स वगैरह अच्छी तरह रखवा सकते, ये भी देखो यहाँ कितना खुला है, यहाँ तो डांस हो सकता है पूरा, और यहाँ कथकली करवा दूँ मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अंकल जी अगर थोड़ा सा महंगा भी पड़े ना, तो मैं चाहता हूँ ये डील मिल जाए मुझे बस। देख ले पूछ ले जी, मैं एक बार कर लेते हो, नर सामने ही तो था। हाँ करते हैं एक बार बात बूत, पहले देख तो लूँ तसल्ली से ये किस लिए अंकल जी, यहाँ लगता है किसी को दफनाया गया है। मजाक कर रहे हैं, यहाँ से पानी निकलता है। हाँ वही फाउंटेन है वो। हाँ फिर तो देख सकते हो गाइस। हाँ अंकल जी मेरे को तो सही लगा वैसे, मेरे को भी अच्छा लगा जी, मेरे काफी जगह है पार्किंग के लिए, हर चीज के लिए। हाँ वही तो लेट्स सी, वो रहे वहाँ अंकल जी, करते हैं उनसे बातचीत वगैरह कि क्या होगा किराए क्रोए का सीन, लेट्स सी काश की सस्ता मिल जाए। अंकल जी आप भी बात करो ना, क्या मेरे को बच्चे को भेज देते हो? चल मैं करता हूँ बात, तो करते हैं फ्रेंकल अंकल जी बात, और फिर देखते हैं गाइस क्या करें अंकल। क्या करें जी, मैं तो अड़ गया भाई 30 पे। अरे यार भैंस, इतने दूंगा इतने में तो आप इतनी पार्टी करा दूं। वही तो जी मैं अंकल बताऊं बात क्या है। हाँ हाँ इनको मिलते हैं बड़े बड़े आदमी जैसे वो मूवी वाले। हाँ वही तो। तो चलो गाइस मैं आपको सीन बता दूं, आ जाओ अंकल जी, सॉरी भैया जी, फिर हम रहन देते हैं, जो भी होगा फिर अगर आपको बाद में बताते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस अब सीन मैं आपको बता देता हूँ, हमसे इसने मांगे 35, ठीक है 35,000 नहीं लाख मांगे, और फिर हम सोलोमन अंकल जी के थोड़े जानकारी में, तो उन्होंने कहा 30 में करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है 2 दिन की बुकिंग, मैं 2 दिन के लिए इतने दूंगा, मैं कहीं और जुगाड़ी ना करवा लूँ, सच तो मैं बीच पार्टी करवा दूँ क्यों अंकल? बिल्कुल जी मैं, वो तो सस्ता ही था इससे तो। और क्या, तो फिर अभी दिमाग घूमा ही पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या करवाना चाहिए। बाकी गाइस आपके दिमाग में है कुछ कि हम कहाँ पे पार्टी करवा सकते हैं तो कमेंट करके बता देना। अब सीन कुछ है नहीं, अब जिग्गू ने बंदों को टाइम दे रखा है कि हाँ हमारे हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए पार्टी पूटी का, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा, और अब हम जा रहे हैं सीधा कॉलेज में, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि हम और घर देख पाए, क्योंकि हमारे पास लोकेशन तो आ चुकी है, पर यार मैं समझ गया अब सोलोमन अंकल जी लोकेशन दे रहे तो घर घर इतने महंगे मिल ही रहे हैं तो है नहीं रहते अंकल जी। बिल्कुल बिल्कुल यार, वो भैंस की महंगी पार्टी मोटी पार्टी, और हम क्या करेंगे फिर, ऐसे तो मेरे पिताजी नल्ले हो जाएंगे। ओ नो बिल्कुल यार जेमी, क्योंकि उनको खुद के इलेक्शन भी लड़ने अंकल जी अभी। हाँ हाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बस अभी 15-20 मिनट रह चुका है, सब बंदों को इकट्ठे करते हैं यहाँ पे और फिर अपना मनोरंजन अनाउंसमेंट वगैरह चालू करते हैं, लेट्स गो। तो ठीक है गाइस सारा काम हो चुका है, और हमारा देखे देखे दूसरी पार्टी के लोगों ने बताऊं क्या करा गाइस, डिसीजन ये हुआ था, 2 ही बंदे हैं इस बार जो कि पार्टी में खड़े हुए हैं, क्योंकि बंदों ने फॉर्म तो काफ़ी ज़्यादा भरे, मेन बात था अटेंडेंस जो कि मैंने अपना करवा दिया था, ठीक है उसका भी उसने पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं कैसे करवा दिया। अब हम 2 ही हैं जो कि एक है वो बॉडी बिल्डर जिसके साथ मेरे दंगे पड़े हुए हैं, अभी यहाँ सैम भी थी उसके साथ ही, और वो मुझे देख के एकदम से गायब हो गई है, गायब भी क्या ही हो रही है, मैं थोड़ा उसका साथ देने वाला हूँ। तो अब सीन ऐसा है, फ्रेंकल अंकल भाई जिग्गू को भेज दिया मैंने इसलिए क्योंकि एक और घर के बारे में पता चला, बंदे खड़े कर दिए थे हमने, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं वहीं जा रहा हूँ और लेट्स गो, जाते जाते क्यों ना उनकी भी तो देख जाए कि कितने बंदे उनके में आए हैं। तो ये देख लो गाइस, ये है दूसरी पार्टी वाले जहाँ अपना कर रहे हैं।
क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, हमारा देखी देखी चल रही है। भाई साहब एक बात कहूँ, बॉडी बनाने से ना, सुन ले मेरी बात, ओ पगले, बॉडी बनाने से इलेक्शन नहीं जीते जाते, ठीक है। जो तू ये बॉडी बिल्डर से लेके आ रखा है, इलेक्शन नहीं जीते जाते यूँ। बस ये भीड़ है क्या? अरे अरे अरे, चल कोई नहीं पगले, ट्राई कर अपना बेस्ट मुझे हराने की। तो देख लो गाइस, इतनी सी भीड़ लेके आ गया ये बॉडी बिल्डर का सोच रहा है क्या? बॉडी बिल्डिंग दिखा रहा है अपनी। तो फ्रैंकल अंकल वहाँ खड़े हैं गाइस, और मैंने इन्हें बोल रखा मैं बस तुम्हारे 2 मिनट लूंगा। तो लो लो, आ गए हमारे नेता जिमी आ गए। अरे रे 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 रे, हेलो हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है सबके, क्या हाल है? बस बस बस, थैंक यू आप सब यहाँ पे आए। अंकल जी सब सही चल रहा है? अरे बिल्कुल बिल्कुल, ले जिमी तेरे लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा। अरे बोलने से पहले मैं बोल दूं अंकल जी कुछ? चल बोल दे जिमी, तू बोल। हाँ, तो पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब हमारे लिए अपना टाइम निकाल के आए। और जैसे कि आपको पता है, जो कि पिछले साल हमने करते आए हैं कॉलेज में, हमने क्या क्या नहीं करा है, ऐसे ही डेवलपमेंट हम कॉलेज का करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया चीजें हम कॉलेज में लाते रहेंगे। तो सिंपल सा आपको भी पता है क्या ही करना है, अपने प्यारे जिमी को वोट करना है। और जो वो देख रहे हो ना पीछे, बॉडी बिल्डर बना के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, आपको भी पता जीतने वाला कौन है। और मैं आपको एक चीज बताऊं अंकल जी, ये लड़कियां बताऊं कितनी ऐसे क्यों आई है इतनी? अच्छा अच्छा बता। ये लड़कियों का ना मैंने ना वो ब्यूटी पार्लर के वाउचर दिला दिए। अरे बहुत सही जिमी, सही खेल रहा है। नहीं नहीं, वैसे भी आई है। तो अच्छा, और अच्छा। जो मैं पिछली बार की तरह वादे करे थे पूरे भी हुए हैं, और इस बार भी मैं आप सबके वादे पूरे करूंगा। तो बस एक और चीज, ये जो अनाउंसमेंट मैं करने के लिए आप सबको आज इकट्ठा करा है, तो वो सीन ये है कि काफी जल्दी बोले जो 2 से 3 दिन के अंदर हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने वाले, जो कि छोटी पार्टी इलेक्शन से पहले आप सबके लिए, ताकि आप भी खुश हो जाओ, हम भी खुश हो जाए। क्यों अंकल? बिल्कुल बिल्कुल, तालियां तालियां। बस अंकल जी, अब आप जो बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। जिमी का हाथ है, कॉलेज का विकास है। अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा हाथ है, कॉलेज का विकास है, कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। किसी को भी कोई दिक्कत हो, जैसे कि आपको पता है सबकी पहले भी हमने मदद करी है, तो दोबारा मदद करते आएंगे। ये तो अंकल जी, जिमी एक और अरे, कर दूं मतलब जो मैंने दी थी लिख के, अच्छी तरह बोल रहे हो, चलो ठीक है, बोलो। हाँ, अब मैं बोलूं दूसरी लाइन? अरे बोलो। सबको देखा बारी बारी, अब की बार जिमी बिहारी। अंकल जी बिहारी नहीं हो, पर थैंक यू, हम ही आएंगे, ये बॉडी बिल्डर वाले नहीं आ पाएंगे। अरे अरे, तो देख सकते हो गाइस, बढ़िया बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। अभी मेन सीन ये, हम यहाँ आने में ही लेट हो गए, इसलिए बंदे कम है, नहीं तो अभी और सीन भी हो जाता। पर चलो कोई नहीं, बस थैंक यू आप आए, मैं इतना ही कहना चाहता था आप सबसे, आप जा सकते हो। बस जैसी पार्टी होगी आपको नोटिस बोर्ड में दिख दिया जाएगा, और कहाँ पे क्या क्या सीन होगा, किस टाइम पे तुम्हें आना है। अरे यो क्यों आ गए जिमी? हाँ भाई साहब, क्या दिक्कत है? हाँ भाई, हो गया तेरा प्रचार है छोटे। मेरा प्रचार हो ना हो भाई, तेरे को क्या दिक्कत है, तू अपना कर ना, क्या सीन है तेरा? हाँ भाई, घबरा गया, मेरे को लग रहा है तू डोले डोले देख के मेरे। मैं नहीं घबराया तेरे से अंकल जी, संभालना एक बार। रुक जा, मैं देखता हूँ। हाँ, क्या चाहता है तू? छोटे बहुत डोन बन रहा है तू, मैंने सुना है बड़ी बदमाशी चल रही। डोन बनने की बात नहीं है भाई, हम कॉलेज के बंदे हैं, जो कुछ करे तेरे क्या दिक्कत है, तू क्यों घबरा रहा है इतना? अच्छा ऐसी बात है क्या? चल ठीक है, तेरे लिए फिर एक लिटिल बिट चैलेंज लाया हूं, डर तो नहीं जाएगा, एक्सेप्ट कर ले। अरे मैं नहीं डरता तेरे चैलेंज से, तू चैलेंज बोल। चल तेरे लिए एक छोटा सा चैलेंज है, मेरे साथ रेसलिंग का मैच लगा लियो, बस ज्यादा कुछ नहीं, बच्चे कच्चा पहन गया ये पर्सनल। अंकल जी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई नहीं, अगर तू यही चाहता है रेसलिंग करने का तो देख, कॉलेज के इलेक्शन में बीच में हमारे कोई पंगे नहीं होने चाहिए, तू रेसलिंग चाहता है तेरे से रेसलिंग लड़ लेंगे, जहाँ तू बोलेगा वहां लड़ लेंगे, तेरे से मैं डरता नहीं, सीधी बात, आए तो चैलेंज देने, वो भी सबके सामने, समझ रहा हूँ मैं, तू क्या कहना चाहता है, क्या नहीं, पर चल ठीक है, तेरा चैलेंज एक्सेप्टेड, फोन मार दियो जब तेरे को लड़ने का मन हो, क्यों अंकल? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, सबके सामने मैंने बोल दिया, इसका चैलेंज भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी पार्टी वाले को रहा तो ज्यादा नहीं, चुलबुली मची हुई है, कोई नहीं भाई, तुम बॉडी बिल्डर बना गए तो अपने आप को ज्यादा बन रहे हो, सैफ अली खान अंडरटेकर से कम नहीं हूँ मैं भी, तो ठीक है गाइस, इसका चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है हमने। तो अंकल जी, अब जिग्गू को फोन करो कितनी देर में आ रहा है, बाकी बस मैं इतना ही कहना चाहता था आप सबसे भी, अब आप सब जा सकते हो, तो चंगा बाय बाय। तो गाइस ये सब चीजें खत्म करके आपसे मिलते हैं, हो गए अंकल जी खाना पीना? हाँ जिमी, वो तो मैंने पेप्सी पी ली, मेरे को गुस्सा आ गया तो उस टाइम तूने रोक लिया। अरे अंकल जी गुस्सा क्या, काम तो आपने उल्टा करवा दिया ना, फिर भी एक तो। अरे तू नहीं करा चैलेंज एक्सेप्ट? अरे चैलेंज एक्सेप्ट वाला नहीं, स्कॉर्पियो कैंसिल वाला। अरे वो तो यार अब क्या ही बोलूं, दोगुना निकला।
क्या करेगा इस, तो आपको भी बता देता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। एक बंदे से अंकल जी ने बात करी थी स्कॉर्पियो की, क्योंकि हमें स्कॉर्पियो चाहिए थी रैली के लिए। एक स्कॉर्पियो होती तो भी हम बातचीत कर रहे थे, वो बंदे ने स्कॉर्पियो ही कह रहा अब हमारे पास स्टॉक में नहीं है। पहले मैं जीगू की स्कॉर्पियो में तो घूमता था और हमें चाहिए थी कम से कम 4 से 5, फिर अब जुगाड़ नहीं हुआ, रैली काफ़ी करीब आ रही है, तो हमने ये सोचा अभी जोन सी भी गाड़ी अच्छी सी सही सी हमें मिल रही है, हम वो उठा लेते हैं। और फिर एक बात बूत करके फिर पता चला है कि बुलेरो का हो रहा है। अब बुलेरो वैसे तो पुरानी गाड़ी है पर हमारे पास अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें यही करना पड़ रहा है, क्यों अंकल? बिल्कुल बिल्कुल जिमी, तो लेट्स गो, बिना किसी देरी के चलते हैं। और लोकेशन काफ़ी पास है, और जाना बताऊंगा गाइस, जो गाय वाले अंकल है ना तो उन्हीं के पास ही जाना है। मेरे को नहीं पता था कि वो ऐसे ऐसे काम भी क्या क्या सीन है उनका, ये भी करने लग गया, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, करने लग गए तो बस सही है। अब आप बैठ जाओ या फिर मैं भैंस की आँख निकल लूँ। अरे यार ये जिमी, ये जिग्गू ने परेशान कर रखा है मेरे को, कभी आगे और तुम्हारे ना ड्रामे खत्म नहीं होते अंकल जी। गिर गया रे, मेरा दिमाग वैसे घूमे। अबे अंकल जी वैसे एक बात तो बताओ, रेसलिंग कैसे करते हैं? तेरा तेरा तो भरता बना के मारेगा, देखियो जिमी वो। अरे हम ना ड्रा करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी। कोई नहीं जिमी, तू मेरे पास आ जाए कर सुबह सुबह, जो ट्रेनिंग करवा। तो भाई अब करना तो पड़ेगा यही कि थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी मुझे। भैंस की आंख ने चैलेंज दे दिया, बॉडी बिल्डर है वो तो। भैंस की कोई नहीं अंकल जी, घुसट भी लेटाया था ना उसे पिछली बार, भूल कैसे सकता है वो। हाँ मैंने सुना था बस तूने। मेरे को पता चल गई थी, हम थोड़ा आगे लाया, अब यहाँ से एकदम से कट भी तो नहीं ले सकते अंकल जी, रूल फॉलो करता हूँ मैं आजकल। कोई नहीं, थोड़ा खेतों में से ले ले। ये तो देख लो गाइस, यहाँ से हमने यूटर्न ले लिया। अरे पीछे कट यार, तो देखते हैं अंकल जी बुलेरो की कंडीशन कैसी होगी। मुझे नहीं पता जी, बस बात हुई थी मेरी के मेरे पास स्टॉक पड़ा है। अबे यार हमने भी ना पूरा नाश करवा दिया, मैं आपको भरता की गाड़ियों को जुगाड़ तो आप ही करवाओगे। अबे यार जिमी कर दिया ना एंड टू एंड दूसरा जुगाड़। अरे हटा ले भाई, हट जा भाई। तो पिछली बार अंकल जी मैंने ड्राइवर अंकल जी से करवाया था जुगाड़। कोई नहीं, ड्राइवर से बढ़िया ही करके दूंगा इस बार, और सस्ता भी करवाऊंगा। ठीक है देखते हैं भाई अब क्या। अरे गैया जी आप यहाँ कैसे, यही खड़ी अंकल जी गाड़ियाँ तो? हाँ ये खड़ी ना, देख स्टॉक पूरा भरा हुआ। ओके तो गाइस खड़ा अपना, तो करते हैं इनसे बात, धूप में अपनी गाड़ी खड़ी नहीं करूंगा मैं। यस आ जाओ, करो आप बात करो, क्या क्या सीन होता है, जब तक मैं बुलेरो देख लेता हूँ गाइस की क्या क्या सीन है यार। एक कलर भी अलग अलग है अंकल। कोई नहीं, तो क्यों दिक्कत ले रहा, और भी स्टॉक पड़ा है। तो देख सकते हो गाइस व्हाइट कलर में बुलेरो है, ओके तो ये सिल्वर सी में, फिर दोबारा व्हाइट, फिर काली में, व्हाइट और ब्लैक मिल जाए मैं बस ये चाहता हूँ। ऐसे चुचू पुचू कलर में तो नहीं लेनी मुझे, ठीक है। तो देख लो ये भी बुलेरो, अगर आपको मैं बैठ के दिखाऊं तो ऐसा कुछ है, ठीक है। अंकल जी एक बार देख ही लेते हैं कैसे क्या क्या सीन है, चाबियां लगी पड़ी है इसमें। हाँ हाँ देख लेते हैं, बात कर ली मैंने, कह रहा है सस्ता स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी ले जाओ, और स्टॉक चाहिए तो और भी है। अरे भैंस की बुलेरो का शोरूम पूरे सारी बुलेरो इन्हीं के पास ही है क्या? अरे बहुत ये जाने माने इंसान माने जाते हैं गाड़ियों के हिसाब से। तो सही है वैसे, तो गाड़ी में पिकअप पुकअप में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, देखो खींचे जा रही है बस यही। पर यही बात है, थोड़ी लुक वाला काम रह गया, थोड़ा ऐसा लग रहा है टूर एंड ट्रैवलर वाली गाड़ी थी। अरे जिमी अभी के लिए तो ठीक है, फिर बाद में देखते हैं बाकी बात। कोई नहीं, फिर मैडम बैठो बुलेरो में से पैसे तेरे खाते लाया अंकल जी। पर अब तो तेरी मैडम ही नहीं बची। अरे फिर तुम रुक जाओ यार, तुम मेरे को छेड़ा मत करो। तू ही कॉमेडी कर रहा जिमी, मैं भी थोड़ा चुटकी ले लूं। तो देख लो गाइस ये रही बुलेरो, अब अंकल जी बिना किसी देरी के बुलेरो करवाओ, क्योंकि हमारे पास कोई भी गाड़ियों का अभी है नहीं, और मुझे चाहिए ऐसी टाइप में ही, ठीक है। तो अब ये हो रही है, यही करवा लो, फिर लेके चलते हैं इसे, ठीक है। बैकअप प्लान में रखते हैं, बैकअप प्लान में रख लो क्योंकि सस्ती कह रहे हो आप, तो ठीक है। तो गाइस करते हैं इसके भी डील वगैरह, ठीक है अंकल जी। फिर हो गया तो फिर चल तो निकलते हैं, आ जाओ अंकल जी। ठीक ठीक, तो गाइस पैसा पूछा भी हो गया, कागज में जो साइन होने थे वो भी हो गए, इन्होंने ट्रक का जुगाड़ करा दिया, बैलिनो लेके निकल गया है वहाँ अंकल जी। मैं पीछे बैठ रहा हूँ, चल ले तू, कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली गाइस हमने लिए 4 गाड़ियाँ, और ये देख सकते हो आप, और बैकअप प्लान के लिए लिए, फिक्स नहीं है कि हम रैली में यही निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिमी, ओके। तो ये देख लो ये निकाल लेंगे हमारे अंकल तरफ पास। अरे अरे आराम से चला ले चाचा। अरे मैं गाड़ी लेके कट मार रहा था, एक तरफा सिस्टम चल रहा है, एक तरफा छोरे जाट का। तो देख सकते हो गाइस लेके निकल रहा हूँ मैं सारी गाड़ियाँ, जो कि आप देख लो कैसी लग रही है, ये ऊपर अच्छी तरह रख दिया हमने सारी की सारी बुलेरो। ओ ये ओ मैडम बैठ बुलेरो में, सब स्पेशल थे खाते लाया, तो लेके निकल रहे हैं। अब रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, और फिर आपसे मिलते हैं हम थोड़ा आगे जाके।
तो गाइस रात हो चुकी है और हमें पहुंचने में लगेगा तो टाइम, पर हम देखो कैसे धीरे 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 निकल ही रहे हैं अपनी कार से लेके, क्योंकि तेज भी नहीं चला सकते। अंकल यही रोक लेता हूँ ना। हाँ हाँ रोक ले जी, मैं भूख लगी वैसे, थोड़ा थक गया है, कुछ खा भी लेता हूँ। 24/7 से कुछ ले भी लेते, अरे लग जाएगी ना। हाँ हाँ पीछे रोक दे जी यार, ये तो हद है यार अंकल जी, हर चीज में ऐसी तैसी हो रही है। आ जाओ। हाय रब्बा, मार चुकिया पापड़ वाले नो, पीछे सारी बुलेरो है गाइस, आपने देख ही ली। हाय रब्बा, थक गया तो काफी ज्यादा। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो होप करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो में मजा आएगा। मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में कमेंट करके बता देना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं आप सबसे अगली ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। चंगा फिर अगली वीडियो।